हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड, इस समय मैं हूँ किचन में और मम्मी लेकर के आए थे क्योंकि मार्केट से बिल्कुल फ्रेश फ्रेश भिंडी, तो मैंने डिसाइड करा कि क्यों ना आज भिंडी की सब्जी मैं ही बना लूँ। तो अभी डिनर में बनने वाला है भिंडी और बनाऊंगी मैं नए स्टाइल से। तो आज मम्मी लोगों को खिलाते हैं न्यू स्टाइल की भिंडी, तो देखते हैं इनको पसंद आएगा नहीं आएगा, ये तो बात की बात है। पहले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो धो देते हैं भिंडी को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले धो लिया है मैंने भिंडी अच्छी तरीके से और अब इसे काट लेते हैं इसको मोटे मोटे टुकड़ों में। क्योंकि रेडी है काट करके भिंडी, तो अब इसमें सबसे पहले मैं डाल देती हूँ नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर। कम तो नहीं हो जाएगा? कम हो जाए चलेगा, लेकिन भाई ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा अजवाइन और अब इसमें ऐड कर देंगे बेसन। मिक्स कर देते हैं सब अच्छे तरीके से। अरे भाई, गिर मत, कहाँ गिर रहा है। अब इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी, ज्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस इतना ही ऐड करेंगे जितने से ये बेसन जो है भिंडी पर चिपक जाए। तो देखते जाओ आप लोग भी मैं क्या बनाने वाली हूँ और क्या कर रही हूँ। अरे भाई, गिर मत। तो ये हो चुका है अच्छे तरीके से मिक्स। सो फ्रेंड्स, भिंडी तो हो चुकी है अच्छे तरीके से प्रिपेयर। उसमें मैंने बेसन वगैरह मिला दिया है और अब कढ़ाई रख देते हैं चूल्हे में और पहले ऑन करती हूँ। तो सबसे पहले ऑन कर लेते हैं गैस, इसके ऊपर रख लेते हैं कढ़ाई, थोड़ा सा कम कर देते हैं गैस को और अब इसमें डाल देते हैं तेल, क्योंकि ये जो भिंडी मैंने इस तरीके से बना रखी है, इसके मैं बनाने वाली हूँ पकोड़े। आज मैं बना रही हूँ भिंडी पकोड़ा सब्जी, तो देखते जाओ मैं कैसे करके बनाती हूँ। मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, इसीलिए देखते हैं कैसा बनता है। तो फिलहाल होने देते हैं तेल को गर्म। सो फ्रेंड्स, हो चुका है तेल गरम, तो स्टार्ट करते हैं अब अपनी कलाकारी दिखाना। अब यहाँ पर चम्मच से बात नहीं बनने वाली है, इसीलिए चम्मच को कर देते हैं साइड और करेंगे हाथों का इस्तेमाल, क्योंकि अब इसका बनाना है हमने भिंडी पकौड़ा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और अगर अच्छा नहीं बना ना तो आज की सब्जी होने वाली है सब बर्बाद, लेकिन इनको खिलाए बिना छोड़ना नहीं है, खिलाना तो है ही। जब आलू के पकौड़े खा सकते हैं तो भिंडी के पकौड़े क्यों नहीं खा सकते। लेफ्ट हैंड का यूज किया जाए। आज मैं तेरे लिए स्पेशल डिश बना रही हूँ। बेल पकौड़ा? नहीं, भिंडी पकौड़ा सब्जी। एक साइड से मैं यहाँ पर बना रही हूँ भिंडी के पकौड़े, और क्योंकि अभी फिनिशिंग चल रही है, बस ये लास्ट है, इसके बाद पकौड़े बन करके तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर मम्मी मेरी हेल्प कर रहे हैं, प्याज वगैरह काट दे रहे हैं, क्योंकि प्याज टमाटर वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी सब्जी बनाने में आगे ग्रेवी के लिए, तो मम्मी यहाँ पर प्याज काट रहे हैं। सो फ्रेंड्स, रेडी हो चुके हैं बनकर भिंडी के पकोड़े। तो एक साइड से जब तक मम्मी छील रहे हैं प्याज, मैं स्टार्ट कर देती हूँ टमाटर का काम। बारीक बारीक मिर्ची भी काट लेते हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं काटेंगे भाई, दो ही मिर्ची काटेंगे।
सो फ्रेंड्स रेडी है काट कर प्याज टमाटर हरी मिर्च और ये है गार्लिक और जिंजर का पेस्ट। तो स्टार्ट कर देते हैं बनाना। क्योंकि फ्रेंड्स मैं यही वाला कढ़ाई का यूज करने वाली हूँ तो ये वाला तेल कर देते हैं। तो इतना तेल इसमें रहने देते हैं क्योंकि अभी तड़का वगैरह लगाना है। तो गैस को कर देते हैं ऑन और तेल गरम होने के लिए रख देते हैं। भाई मैं लेट हो गई क्योंकि धुआं निकलने लग गया। सब्जी का धुआं निकल गया, इतना ज्यादा गर्म हो गया है कि धुआं निकलने लग गया। हमारी सब्जी का धुआं निकल गया। सब्जी डाली नहीं अभी, तेल का धुआं निकला है। तो जीरा डाल देते हैं तड़का लगाने के लिए। अब इसमें ऐड कर देते हैं बारीक कटे हुए प्याज। एक भी प्याज नहीं रहने देना प्लेट में। अब गोल्डन ब्राउन होने तक इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। बट उससे पहले इसमें डाल देते हैं बारीक कटे हुए मिर्ची और ये गार्लिक और जिंजर का पेस्ट। मैं तो बड़ी मुश्किल से गया कढ़ाई में, जाने को तैयारी नहीं है ये कढ़ाई में। से आगे का कार्यभार संभालेंगे मम्मी। लगभग तो बनकर के हो चुका है कंप्लीट। अब इसमें मिर्ची मसाले वगैरह डालने क्योंकि फ्रेंड्स हो चुके हैं प्याज गोल्डन ब्राउन कलर के। तो अब इसमें डाल देते हैं नमक, हल्दी, मिर्च और ये सब्जी मसाला। अब अच्छे तरीके से कर देते हैं मिक्स और थोड़ा देर सबको पकने देते हैं। अब फाइनली ऐड कर देते हैं इसमें टमाटर। इसे भी एक दो मिनट पकने देते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स हम लोगों की यहाँ पर ग्रेवी बनकर हो चुकी है रेडी बहुत अच्छे तरीके से। तो अब इसमें मिक्स कर देंगे भिंडी पकौड़े। तो फ्रेंड्स ढक देते हैं और पकने देते हैं दो चार मिनट के लिए सब्जी को। सो फ्रेंड्स एक साइड से बन रही है सब्जी और दूसरे साइड से मम्मी ने तैयारी कर दी है रोटी बनाने की। बिकॉज आज 9 बजने वाले हैं लेकिन हम लोगों का खाना बन करके रेडी नहीं हुआ है। बाकी दिन हम लोग 8 से 8:30 के बीच अपना डिनर कर लेते थे। तो फिलहाल अभी यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा और खाना बनने में। तो उस साइड में रख दिया है भिंडी बनने के लिए और मम्मी ने शुरुआत कर दिया है रोटी बनाने की। आटा वगैरह ऑलरेडी गोंद के रखा हुआ है। एक साइड से रोटी बना रहे हैं और दूसरे साइड से चेक कर रहे हैं कि सब्जी बनी या नहीं। सो फ्रेंड्स बन चुकी है भिंडी पकोड़ा सब्जी। फ्रेंड्स आज बज चुके हैं रात के 9, हम लोगों को डिनर करने में। और आज मैंने बना रखी है स्पेशल भिंडी की सब्जी। ये भिंडी की सब्जी नहीं है, ये है भिंडी पकोड़ा सब्जी। तो अभी ये लोग खाना पकोड़ा भिंडी हलवा। हलवा कहाँ से लग रहा है, वो मैंने भिंडी पकोड़ा बना रखा है। चल तूने तो टेस्ट कर लिया, बता कैसा हो रहा है। हाँ देखा अच्छा हो रहा है, खाने लायक है, अच्छा लगा वाकई में। तो फिलहाल अभी हम लोग भी कर लेते हैं अपना डिनर और खाते हैं मस्त भिंडी पकौड़ा सब्जी। और मैं भी करती हूँ अपना आज का ब्लॉग क्लोज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग एंड पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग एंड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग रोज शाम को 7:30 पे आएंगे। तो कीप वॉचिंग, मिलते हैं बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।